आपका हमारे चैनल 360 ज्ञान पर स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए एक बुरी खबर है। स्टूडेंट को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार, क्योंकि की परीक्षा अध्यापक संविलियन में उलझ गई है। अध्यापकों ने शिक्षक संवर्ग में संविलियन होने की मांग पर जमकर आंदोलन किया था, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापक की शिक्षक संवर्ग में संविलियन की मांग मान ली थी, जिसका ऐलान भी हो चुका है। इसलिए डीपीआई के अधिकारी संविलियन में लग गए हैं। इसलिए विभागीय अधिकारी संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा को छोड़कर संविलियन के नियम में लगे हैं। संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले मार्च में होनी थी, पर व्यापम ने संविदा शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम बदल दिए हैं। अगर दोस्तों संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियम अप्रैल तक व्यापम को भेजे जाते हैं, तो व्यापम अपनी तरफ से सब कुछ काम करने के बाद सितंबर तक संविदा शिक्षक भर्ती के फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।